नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करताल कोचिंग की तरफ से एवरेज टॉपिक लेकर। एवरेज जो है आपको पढ़ना है फॉर बैंक, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये जो पढ़ाया जा रहा है करताल कोचिंग की तरफ से, और करताल कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में है। अगर आपको कोई भी समस्या इससे रिलेटेड हो तो आप आके डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स किसके लिए? बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए। तो मैं तीन क्लास एवरेज का पढ़ चुका था, एवरेज का तीन क्लास पढ़ा था, जिसमें मैंने पहला क्लास थ्योरी दिया, बाकी दो क्लासेस में क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज मैं आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। केवल क्या है, आपको कॉपी लेके बैठने की जरूरत है, इसको नोट करने की जरूरत है। अगर इसको नोट करेंगे तो स्वाभाविक है कि सर कि 100% आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता क्या है कि सात संख्याएं हैं, प्रथम चार का औसत, अंतिम चार का औसत दिया हुआ है, चौथी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दो, सात संख्याएं की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रथम चार और अंतिम चार, चार चार कै गो हो गया? आठ गो। प्रथम चार और अंतिम चार, चार चार क्या हो गया? आठ गो। लेकिन है टोटल कितना? सात। रियल में है कितना? आठ। लेकिन हो कितना गया? सात। रियल में है सात लेकिन हो कितना गया? आठ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से इधर भी काउंट किया और इधर भी काउंट किया, यानी चार चार कितना हो गया? आठ। अब देखिए, प्रथम चार मान लेते हैं x1, x2, x3 और x4। ये प्रथम चार गो का एवरेज कितने का? आठ का। प्रथम चार का एवरेज कितने का? आठ का। तो 8 × 32, क्लियर। अब देखिए अंतिम चार x4, x5, x6, x7, चार को क्या एवरेज? 16 का। तो 16 × 64। अब चलिए सर कि अगर x5 से x7 तक निकालना हो, x5, x6 और x7 फाइंड करना हो, तो कैसे निकालेंगे? अगर इसको इधर जाके माइनस करेंगे तो 64 − x4 कन्फर्म। ये रहा इक्वेशन वन और ये रहा इक्वेशन टू। प्रथम चार का एवरेज आठ का, तो एवरेज का मतलब बराबर बराबर था, 8, 8, 8, 8, चार को। अंतिम चार का एवरेज 16 का, तो 16, 16, 16, 16, 16 × 64। और सातों का जो एवरेज है x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7, इन सातों का जो एवरेज है 10 का है, तो 10 × 70। 10 × 70 कितना हो गया? 70। तो देखिए, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक का सम दिया हुआ है 32, और 5 से लेकर 7 तक का वैल्यू मेरे पास है 64 − x4। अब इसका वैल्यू मेरे पास कितना है? 70। तो x4 अगर निकालना है, x4 निकालना है तो 32 + 64 − 70 कितना होगा? 96 − 70 कितना हो जाएगा? 26। तो हम कह सकते हैं कि चौथी संख्या कितना हो जाएगी? 26। बात समझ में है? प्रथम चार 8 के हिसाब से 8 × 32, अंतिम चार 16 के हिसाब से 16 × 64। तो x4 को इधर जाके माइनस की, 64 − x4। 1 से लेकर 4 तक का वैल्यू इक्वेशन में देख लो, 32 लिखा हुआ, और 5 से लेकर 7 तक का वैल्यू देख लो, 64 − x4। अब इसको इधर भेजेंगे, ये क्या होगा? 64 + 32 कितना होगा? 96 − 70। तो x4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 26, यानी चौथी संख्या 26। लेकिन आप कहिएगा सर इतना टाइम मेरे पास थोड़ी ना है। तो देख भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्रथम चार और अंतिम चार, चार चार कह गो? आठ गो। अरे प्रथम चार और अंतिम चार, चार चार कह गो? आठ गो। आठ गो में से अगर सात को हटा दे तो एक गो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? चौथा। क्योंकि चौथा का काउंटिंग आप कितनी बार कर रहे हो? दो बार। प्रथम चार और अंतिम चार, प्रथम चार के टोटल और अंतिम चार के टोटल में से सात गो का टोटल हटा देंगे तो एक गो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा? चौथी संख्या। आइए, तो चौथी संख्या निकालना है ना। प्रथम चार का एवरेज आठ का, अंतिम चार का एवरेज 16 का, तो चार चार कै गो? आठ गो। आठ गो में से सात को हटा दो तो सात गो का एवरेज कितने का? 10 का। तो बोल भाई, 32 + 16 × 64 − 70 कितना हो जाएगा? 26। प्रथम चार का एवरेज आठ का था, 8, 8, 8, 8, चार गो। अंतिम चार का एवरेज 16 का, 16, 16, 16, 16, चार गो। तो चार चार आठ गो के जोड़ में से सात गो का टोटल हटा दीजिए, 7 × 70, एवरेज मतलब बराबर बराबर, तो 10, 10, 10, सात गो, तो सात को हटा लीजिए, 64 में से 70 गया 26, ये चौथी संख्या निकल गई। बस समझ में आया? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। सात संख्याओं का योग दिया हुआ है, प्रथम तीन अंतिम तीन, आइए सर, एक दो तीन चार पांच छह सात, प्रथम तीन और अंतिम तीन, तो सात गो में से स्टार्टिंग का तीन गो और लास्ट का तीन गो हटा दो, स्टार्टिंग का तीन हटा दो और लास्ट का तीन हटा दो तो निकल जाएगा। चलिए तो चौथी संख्या निकालना है, चौथी संख्या कैसे निकलेगा, चौथी संख्या फाइंड करना है, यानी फोर्थ नंबर, चौथी संख्या। आइए, सात गो का योग कितना दिया हुआ है, 235, एवरेज नहीं है सर ये, योग है, एवरेज नहीं है, योग है। अगर एवरेज होता तो सात गुना 235 करना होता, क्योंकि एवरेज में नंबर से गुना करेंगे तब टोटल आता, और यहां पर टोटल ही दे दिया सात गो का, कितना है 235। सात गो में से प्रथम तीन का एवरेज 23 का, तो 23 23 23 क्या गो, तीन गो, और अंतिम तीन का एवरेज कितने का, 42 का, 42 42 42 क्या गो, तीन गो। सात गो का टोटल कितना दिया 235, प्रथम तीन का एवरेज 23 का, तो 23 23 23 तीन गो, अंतिम तीन का एवरेज 42 का, 42 42 42 तीन गो। तो सात गो में से छः गो हटा देंगे, सात गो में से अगर छः गो हटा देंगे 23 दिया 69, यहाँ पर क्या करो तीन कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या करते हैं हम तीन कॉमन ले लेते हैं, आइए तीन कॉमन ले लिए तो क्या बचा 23 प्लस 42, बोल भाई, तो 235 माइनस 3 दो 5 4 दो 6 गुना 3, तो 235 माइनस 6 3 18 180 195, अगर घटाएंगे सर तो 0 और 23 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 9 4 13 में से 9 गया 4, तो आपका आ जाएगा लगभग 40। बात समझ आए, सात गो के टोटल में, सात गो का टोटल दिया हुआ, प्रथम तीन का एवरेज 23 का, 23 23 23 तीन गो, अंतिम तीन का एवरेज 42 का, 42 42 42 तीन गो, तो सात गो में से तीन तीन छः गो हटा देंगे तो ये गो जो बचेगा कौन सा बचेगा, चौथा, क्योंकि चौथा को हम काउंटर नहीं किए, तो सात गो के टोटल में से तीन गो का टोटल और तीन गो का टोटल लेस करेंगे तो 65 65 गुना 3 6 3 18 5 3 15 195 लेस करेंगे सर तो 40 आ जाएगा। बात समझ में है, तो कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए केवल आंकड़ा पकड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा, डाटा को पकड़ना है आंसर आ जाएगा। चलिए किसी सप्ताह में क्या कह रहा है, रविवार सोमवार मंगलवार, रविवार सोमवार और मंगलवार, एवरेज 34 का, 34 के हिसाब से तीन गो, सोमवार मंगलवार और बुधवार, एवरेज 35 का, 35 के हिसाब से तीन गो, बुधवार का तापमान 36 हो तो रविवार का तापमान निकालना है। इक्वेशन 1 2 और 3 देखिए, R4 रवि, S4 सोम, M4 मंगल, रवि सोम मंगल 34 के हिसाब से क्या हो तीन गो, सोम मंगल बुध 35 के हिसाब से क्या हो तीन गो, बुधवार का 36 रविवार का पूछ रहा है, बुधवार का 36 और रविवार का आपको पूछ रहा है, ठीक है ध्यान दीजिए। देखिए कैसे बनेगा, 34 तिया, देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को लेस करेंगे तो सोम सोम घटेगा मंगल मंगल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 2 बड़ा है, इक्वेशन 2 बड़ा है तो 2 में से 1 को लेस करेंगे तो सोम सोम घट जाएगा मंगल मंगल घट जाएगा, नीचे से ऊपर घटा रहे हैं तो बुध माइनस रवि का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 में से 102 जाएगा, कितना 3, जिसमें बुध की जगह हम क्या पुट करेंगे 36 माइनस रवि बराबर 3, तो रवि का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 माइनस 3 यानी कितना डिग्री 33। बात समझ में आया, रवि सोम मंगल 34 के हिसाब से 3 को, 34 से 102, सोम मंगल बुध 35 के हिसाब से 3 को, 35 से 105, बुधवार 36, नीचे वाला 12 ऊपर वाला छोटा, समीकरण 2 में से 1 को लेस करेंगे, 2 का वैल्यू ये सोम सोम जाएगा मंगल मंगल जाएगा, बुध माइनस रवि 35 से 105 और 34 से 102 दोनों को लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जिसमें से बुध का वैल्यू कितना दिया 36 माइनस रवि बराबर 3, तो रवि का वैल्यू कितना निकल गया 33। बात समझ में आया, यानी 33 डिग्री आंसर आ जाएगा संडे का टेम्परेचर, क्लियर। चलो एवरेज का मतलब बराबर बराबर, एवरेज का मतलब बराबर बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए बी सी एवरेज कितने का है सर, 15 का, 15 के हिसाब से क्या हो तीन को, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है बराबर बराबर। बी सी डी एवरेज 16 का, 16 के हिसाब से तीन को, और दोनों को आप देखिए जिसमें से D का वैल्यू कितना है 19, आपसे किसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ए बी सी 15 के हिसाब से तीन को, एवरेज मतलब बराबर बराबर, 15 15 15 तीन को, बी सी डी 16 का एवरेज 16 16 16 तीन को, एवरेज मतलब बराबर बराबर,
लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, समीकरण दो में से एक को लेस करेंगे, तो दो में से एक घटाएंगे तो बी बी जाएगा, सी सी जाएगा, नीचे में से ऊपर, यानी डी माइनस ए का वैल्यू 16 + 48 = 15 + 45, 48 - 45, ये लिखने का जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो डी माइनस ए का वैल्यू क्या 3, अब डी का वैल्यू 19 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 - 3, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। बात समझ में आई? देखिए ए बी सी एवरेज मतलब बराबर बराबर, 15 15 15 तीन को, बी सी डी 16 16 16 तीन को, डी का वैल्यू 19, ए का वैल्यू निकालना है, अगर घटाएंगे तो बी बी घटेगा, सी सी घटेगा, यानी डी माइनस ए का वैल्यू कितना होगा 16 + 48 - 45 3, जिसमें से डी डी का वैल्यू कितना है 19 19 - a = 3, तो ए को इधर भेजो और 3 को इधर भेजो तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 16। क्लियर है? कहीं कुछ नहीं है, केवल इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा तो क्लियर होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रहा, चार संख्याओं में प्रथम तीन का एवरेज दिया हुआ, अंतिम तीन का एवरेज दिया हुआ। चलिए प्रथम देखिए चार संख्याएं हैं, मान लेते हैं चार संख्याएं कौन कौन हम ले लें, ए बी सी डी, तो प्रथम तीन कौन है, ए बी ए बी सी, प्रथम तीन तो यही है, प्रथम तीन का एवरेज कितना है 16, 16 के हिसाब से क्या है 3 को, अंतिम तीन कौन है बी सी डी, अंतिम तीन का एवरेज 15, 15 के हिसाब से 3 को, जिसमें लास्ट संख्या जो है, लास्ट संख्या के बारे में क्लियर कर दिया कि 20 है, तो फर्स्ट संख्या निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो ए बी सी प्रथम तीन का एवरेज 16, 16 के हिसाब से 3 को, बी सी डी 15 के हिसाब से 3 को, दोनों को लेस कर दो भाई, जैसे ही लेस करेंगे तो बी बी जाएगा, सी सी जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा ए माइनस डी का वैल्यू 16 + 48 = 45, यानी कितना होगा 3, जिसमें से डी का वैल्यू बी से छोटू, डी का वैल्यू कितना है 20, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 20 + 3, यानी कितना 23। बात समझ में आया? देखिए ए बी सी एवरेज, एवरेज का मतलब बराबर बराबर, प्रथम तीन ए बी सी 16 के हिसाब से 3 को, अंतिम तीन बी सी डी 15 के हिसाब से 3 को, अगर घटाएंगे तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, घटेगा तो बी बी खत्म, सी सी खत्म, यानी ए माइनस डी का वैल्यू 3, जिसमें से डी का वैल्यू 20 दिया हो तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 23। क्लियर है? सेम पैटर्न है सर, केवल समझने की बात है, छोटा छोटा बात है। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बटना। चलिए चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं, तो चार संख्याएं कौन कौन मान लेते हैं, ए बी सी डी, यही चार को मान लिया, कह रहा है जिनका एवरेज जो है ए बी सी और डी, एवरेज कितने का है 60 का, एवरेज मतलब बराबर बराबर, तो 6 4 का कितना हो गया 24, यानी ए बी सी और डी, एवरेज मतलब क्या होता है बाबू, बराबर बराबर, एवरेज मतलब क्या होता है बराबर बराबर, तो 60 60 60 60 क्या है वो 4 को, तो चारों का जोड़ निकल गया। कह रहा है पहली संख्या जो है लास्ट तीन के एवरेज का, लास्ट तीन के एवरेज का 1/4 है, पहली संख्या के बारे में बोल रहा है, लास्ट तीन के एवरेज का क्या है, लास्ट तीन संख्याओं के योग का 1/4 है, पहली संख्या, पहली संख्या लास्ट के तीन के योग का कितना है 1/4, तो यहां पर ऐसे करेंगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बी प्लस सी प्लस डी, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। अब बताओ कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 2 का मान 1 में, 2 का मान 1 में रखने पर क्या होगा बताओ, बी सी डी का वैल्यू पुट कर लो यहां पे, क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस 4a बराबर कितना छोटू 240, तो यानी 5a बराबर 240, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 20 / 8 = 40, यानी a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 48। बात समझ में? देखिए प्रथम चार संख्याओं का एवरेज 60 का, तो 60 के हिसाब से क्या 4 को 60 60 60 60 240, पहली संख्या के बारे में कह रहा है कि लास्ट के तीन का 1/4 है, तो बी सी डी का वैल्यू क्या हो गया 4 आ गया, तो बी सी डी की जगह इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में पुट कर दो, तो बी सी डी की जगह हम लोग क्या पुट कर ले, 4 पुट करें और प्लस ए बराबर कितना 240, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ए का वैल्यू कितना 5 से काटेंगे यानी कितना 48। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, तीन संख्याओं
ए बी सी मान लेते हैं, तीन संख्या हम क्या मान लिए, ए बी और सी, एवरेज 42 का, एवरेज मतलब बराबर बराबर, तो 42 के हिसाब से कै गो बताओ, तीन गो, एवरेज का मतलब क्या होता है बराबर बराबर, तो 42 42 42 कै गो, तीन गो, तो 42 तिया कितना होगा 126। अब कह रहा है कि पहली दूसरी का दुगना दूसरी तीसरी का दुगना है, मतलब तीनों की संख्या के बारे में बात कर रहा है कि पहली दूसरी का दुगना दूसरी तीसरी का दुगना, अगर तीसरा एक मान लेते हैं तो ये दुगना और ये इसका भी दुगना, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी का दुगना और दूसरी तीसरी का दुगना, तो तीसरी को हम क्या मान लिए एक, इसका दुगना दो, इसका दुगना चार, तो इस रेशियो में बटेगा, तो चार दो छः एक सात, सात बराबर जब 126, तो एक बराबर सात एकम सात, सती अठी छप्पन, एक बराबर 18, छोटी और बड़ी का डिफरेंस पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस कितने का, तीन का, तो तीन का वैल्यू क्या हो जाएगा 54, यानी बड़ी और छोटी का अंतर, अंतर पूछ रहा था, अंतर कितने का 54, बात समझिए, तीन संख्याओं का एवरेज 42 42 42 42, तीन को, यानी तीनों का सम निकल गया, कह रहा है पहला दूसरे का दुगना दूसरा तीसरे का दुगना, तीसरा को क्या माने वन, इसका दुगना दो, इसका दुगना चार, तीनों का जोड़ क्या होगा चार दो छः सात, सात बराबर इतना, तो एक बराबर इतना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस तीन, तीन का वैल्यू क्या होगा 54, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे एक बार ट्राई करेंगे, देखो तीन संख्याओं में, तीन संख्या है सर, इनका एवरेज कितने का है 56 का, तीन संख्या एवरेज कितने का है 56 का, एवरेज मतलब क्या होता है बराबर बराबर, तो 56 56 56 कै गो, तीन गो, तो 158 168। अब कह रहा है कि तीन संख्या के बारे में यही बात कर रहा है कि पहला दूसरे का दुगना और तीसरे का आधा, पहला के बारे में कह रहा है कि तीसरे का आधा है और दूसरे का क्या है दुगना, देखिए पहला जो है दूसरे का दुगना है और तीसरे का क्या है आधा, यही ना कह रहा है, तीन संख्याओं में पहला जो है वो दूसरे का दुगना है, पहला जो है वो दूसरे का दुगना है और तीसरे नंबर का आधा है, मतलब तीसरा नंबर तो और डबल हो जाएगा, अब तीनों का जोड़ क्या होगा चार दो छः एक सात, सात का वैल्यू 168, तो एक का वैल्यू कितना सात दूना 14, सात चौके 28, क्या पूछ रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या कितना है छोटू चार, तो चार का वैल्यू क्या होगा 24 गुना 4, 24 चौके 96, ये क्या निकल गया थर्ड नंबर यानी तीसरी संख्या, बस समझ में 96। देखिए तीन संख्याओं का एवरेज 56, 56 के हिसाब से क्या है तीन को 168, पहला दूसरे का दुगना और तीसरे का आधा है, तीनों का रेशियो निकल गया चार दो छः एक सात बराबर इतना, एक बराबर इतना, तीसरी संख्या चार, चार बराबर कितना, कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 8 पाया गया, बाद में देखा गया भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, आंकड़ों का वास्तविक औसत ज्ञात करें, यही ना छोटू, कहीं कुछ नहीं है, बहुत आराम से बनाओगे, जो काम प्रत्येक में होता है औसत में क्या होता है डायरेक्टली तो जानते हो, चलिए बाद में हम लोग बात कर लेंगे, 12 आंकड़ों का एवरेज 8 है, एवरेज का मतलब क्या होता है बराबर बराबर, एवरेज का मतलब क्या होता है बराबर बराबर, तो 8 8 8 8 8 कै गो 12 गो, 8 8 8 8 कै गो 12 गो, 12 आंकड़ों का एवरेज 8, ये बाद में देखा गया भूल से एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर क्या लिखा गया 13, लिखना था 10 और गलती से क्या लिख दिया 13, आपको याद होगा कि बचपन में जब गलती होता था तो स्लेट पर लिखते थे तो क्या करते थे मिटाते थे, बाद में कॉपी पर गलती होने लगा तो उसको काट दिए, और कैलकुलेटर से जब कैलकुलेशन करने के लगे और गलती होने लगा तो उतना क्या कर लेते हैं माइनस, तो यही चीज देखिए 12 आंकड़ों का औसत 8 पाएगा, तो 8 8 8 8 कह गो 12 को, एक आंकड़े का मान 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, गलती से क्या लिखाया, अरे गलती से क्या लिखाया 13, लिखना था क्या हमको 10, एवरेज निकालना है तो किससे भाग देंगे 12 से, 12 आंकड़ों का औसत 8 8 8 8 8 कह गो 12 को, 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, गलती से क्या लिखा है 13, लिखना था क्या 10, एवरेज निकालना है तो किससे भाग देंगे 12 से, तो 96 - 3 बटा 12 यानी 93/12 काटेंगे सर तो लगभग आ जाएगा 7.75। देखिए
12 आंकड़ों का औसत क्या पाएगा? 8। तो 8 8 8 8 12 होगा 12 गुना 8। एक आंकड़े का मान गलती से 10 के स्थान पर 13 लिखा गया। गलती से क्या लिखा गया 13 माइनस कर लिए। लिखना था क्या हमको 10, प्लस कर दिया। एवरेज निकालना है किससे भाग, 12 से। तो 12 96 - 3/12 कैलकुलेशन करेंगे 7.75 आ जाएगा। आप कहिएगा सर नहीं कुछ शॉर्टकट मारिए ना सर, तो चलिए ध्यान दीजिए शॉर्टकट हम बताते हैं। देखिए पहले से एवरेज क्या था 8, पहले से एवरेज क्या था 8, 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, कम लिखा गया कि ज्यादा? 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, कम लिखा गया कि ज्यादा? 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, कम लिखा गया कि ज्यादा? कितना ज्यादा लिखा गया? 3। तो जो ज्यादा लिखा गया उसको क्या करूंगा, माइनस। बट ये 8 क्या है, एवरेज। 8 क्या है, एवरेज। 3 ज्यादा लिखा गया तो 3 क्या करेंगे, माइनस। 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, 3 ज्यादा लिखा गया, 3 क्या करेंगे, माइनस। बट 3 नहीं ना माइनस होगा, एवरेज ना माइनस होगा। जब ये एवरेज है तो यहां भी एवरेज चाहिए। तो 3 है और कितने आंकड़ा है, 12। तो 12 से भाग देंगे नंबर ऑफ टर्म से तो एवरेज निकल जाएगा। 8/1.1/4 काटेंगे तो नहीं, तो 8 - 0.25 कैलकुलेशन करोगे तो 7.75। बात समझ में आया? 10 के स्थान पर 13 लिखा गया, कम लिखा गया कि ज्यादा? ज्यादा लिखा गया। कितना ज्यादा लिखा गया, 3। जितना ज्यादा लिखा गया माइनस करेंगे, ये क्या है, एवरेज। एवरेज में से माइनस करेंगे 3 अकेले की 12 का, तो ये काटेंगे क्योंकि ये संख्या है, इसको भी एवरेज बनाना है। तो 12 में ना कम लिखाया तो बटा 12 करेंगे, तो ये एवरेज में से एवरेज जाएगा, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया। क्लियर? चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 30 आंकड़ों का औसत 150 पाएगा। पहले बेसिक देखिए, 150 150 150, 30 होगा 30 × 150। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर। तो 150 150 150 150, 30 होगा 30 × 150। बाद में देखा गया एक आंकड़े का मान 165 के स्थान पर 135 लिखा गया। गलती से क्या लिखा गया 135। जो गलती से लिखा है उसको माइनस। लिखना था क्या 165, और एवरेज निकालना है तो संख्या से भाग देना होगा कि नहीं, तो कैलकुलेट करेंगे तो 4500 + 30/30 काटेंगे तो 4530/30 यानी आंसर हो जाएगा 151। देखिए 30 आंकड़ों का औसत 150 पाएगा, तो 150 150 150, 30 होगा 30 × 150। गलती से एक आंकड़े का मान 165 के स्थान पर 135 लिखा गया। गलती से क्या लिखा गया 135, माइनस कर लिए। लिखना था क्या 165, प्लस कर दिया। एवरेज निकालना है तो किससे भाग देंगे, 30 से। बात समझ में आया? आप कहिएगा सर शॉर्टकट वाला बताइए ना सर, तो चलिए शॉर्टकट बताते हैं। पहले कितना पाया गया, पहले एवरेज क्या था 150, चलिए 150 एवरेज लिख लिए। एक आंकड़े का मान 165 के स्थान पर 135 लिखा गया। कम लिखा गया कि ज्यादा, कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया, कितना, 165 के स्थान पर 135 लिखा गया। 165 के स्थान पर 135 लिखा गया, कम लिखा गया कि ज्यादा, कम लिखा गया ना। कितना कम लिखा गया, 30। तो 30 कम लिखा गया तो 30 और क्या करना होगा, प्लस। अच्छा ये एवरेज है तो यहाँ भी क्या चाहिए, एवरेज। तो एवरेज है तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, 30 अगर ज़्यादा कम लिखा गया तो 30 तो प्लस करेंगे, लेकिन ये हो कि मैं कि सब में 300 में ना, तो यहाँ काटेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 151। पहले एवरेज क्या मान लिया 150, 165 के स्थान पर 135 लिखा गया। कम लिखा गया कि ज़्यादा, कम लिखा गया। कितना कम लिखा गया, 30, 30 प्लस करेंगे। एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि ये एवरेज है, तो ये भी तो एवरेज चाहिए, यानी 150 क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें ये वो ना हटाएं, कभी कभी एग्जाम में दो हटाएगा, दो आएगा दो हटाएगा, इसमें एक आया एक गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 16 पारियों का एवरेज, 16 पारी खेलने के बाद 17वीं पारी में 85 रन और बनाता है जिससे एवरेज 3 रन बढ़ जाता है, ठीक है। 17वीं पारी के बाद औसत ज्ञात करें। देखिए एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ तो औसत होगा। माना पहले औसत क्या था x, तो x, तो 16 पारी का क्या 16x, माना पहले औसत x था, तो x, 16 पारी का 16x, एक क्या हुआ 17वीं पारी में 85 रन और बनाया, प्लस 85 क्या पारी का हो गया, 17 पारी का, और 17 पारी का एवरेज जो पहले चल रहा था उससे अब 3 रन क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो x+3 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 क्या हो 17 हो। ध्यान दीजिए, माना पहले औसत x था, पहले हर खिलाड़ी का एवरेज क्या था x, तो x रन के एवरेज के हिसाब से, तो x, तो हर पारी में x के हिसाब से, तो 16 पारी में कितना बनाया होगा 16x,
एवरेज एक्स है ना, एवरेज मतलब बराबर बराबर। तो हर पारी में एक्स रन बनाया, एक्स रन एक्स रन एक्स रन एक्स रन, तो 16 पारी का कितना हो गया 16x, 17वीं पारी में 85 रन और ऐड कर दिए, 16x प्लस 85 क्या पारी का हो गया 17 पारी का, और 17 पारी का जितना एवरेज पहले चल रहा था उससे 3 रन बढ़ चुका है। तो आज के डेट में एवरेज क्या है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 क्या पारी का 17 पारी का, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, हर पारी का एक्स 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 एक्स, 16 पारी का 16x, ये 17वां पारी जोड़ दो 85 रन और ऐड कर दिया 17वां इनिंग में, तो 17 पारी का पहले से एवरेज क्या हो गया 3 रन बढ़ गया। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, तो 85 और ये 16x, 17x प्लस 51, बोलिए तो 17x माइनस 16x बराबर 85 माइनस 51, तो x का वैल्यू क्या हो गया 34, और 17वीं पारी के बाद, पारी के बाद 34 कब तक, 16 पारी तक, 17वीं पारी के बाद एवरेज, 17वीं पारी के बाद औसत, पहले जितना था उससे 3 रन क्या है ज़्यादा, यानी कितना है 37। माना पहले एवरेज एक्स था, तो हर पारी का एक्स 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 एक्स, 16 पारी का 16x, 17वीं पारी में 85 रन और बनाया जिससे 17 पारी का एवरेज 3 रन बढ़ गया, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 क्या पारी का 17 पारी का। अब इसका कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू निकाल दिया, 17वीं पारी के बाद औसत पूछ रहा है, तो 3 रन बढ़ा हुआ था, यानी 17 34 3 37। चलिए शॉर्टकट मारते हैं, देखिए एक लड़का 85 रन लेके आया, 17वीं पारी में 85 रन आया जिससे 3 रन बढ़ गया, तो एवरेज 3 बढ़ गया, एवरेज 3 बढ़ गया तो ये होगा बढ़ा कि सबका बढ़ा, सबका बढ़ा, तो 17 में ना 3 बढ़ा, तो 85 माइनस 17 दिया 51, यानी पहले से उसके पास कितना था 34, पहले औसत कितना था 34 नहीं, और 17वीं पारी के बाद 3 रन और बढ़ जाएगा, यानी 34 प्लस 3 कितना हो गया 37। बात समझिए, एक लड़का 17वीं पारी में 85 रन बनाया, एक लड़का 85 रुपया लेके आया जिसके कारण सबके पास 3-3 रुपया बढ़ गया, तो सबके एक लड़का 85 रुपया लेके आया जिसके कारण सबके पास 3-3 रुपया बढ़ गया, तो पहले से था उसके पास कितना, तो सबसे पास 3-3 रुपया बढ़ा, तो 17 में 3-3 रुपया बढ़ाया होगा, तो 85 के कारण 17 में 3-3 बढ़ा होगा, तो 17 51 बढ़ा होगा, यानी रियल में पहले से कितना था उसके पास 34, और 17वीं के पारी के बाद 3 रन और बढ़ गया, यानी कितना हो गया 37। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है आप एलिगेशन पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे, क्या कह रहा है, एक क्रिकेट गेंदबाज की औसत गेंदबाजी 12.4 है, अगले मैच में उससे 26 रन देकर 5 विकेट लिए जिससे औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी आ गई, इस मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया है ना। चलिए माना इस मैच से पहले उसने एक्स विकेट लिया, कितना विकेट लिया छोटू, एक्स विकेट लेने का मतलब समझते हैं, एक्स विकेट लेने का मतलब एक्स खिलाड़ी को आउट किया, हमने एक्स विकेट लिया मतलब एक्स विकेट खरीद के लाया नहीं ना, एक्स खिलाड़ी को आउट किया, तो बात समझिए, इस मैच से पहले उसने एक्स विकेट लिया मतलब एक्स खिलाड़ी को आउट किया, हर आउट खिलाड़ी 12.4 के हिसाब से रन बना रहा है, हर आउट खिलाड़ी किस हिसाब से रन बना रहा है 12.4, तो 12.4 तो एक्स खिलाड़ी का कितना एक्स विकेट लिया, तो 12.4x। इसके बाद अगला बार मैच हुआ था 26 रन और बना, लेकिन उस दौरान पहले एक्स विकेट था, अब विकेट लेने वाले की संख्या क्या हो गया एक्स प्लस 5, और एवरेज क्या हो गया 0.4 गिर गया, यानी एवरेज कितने का हो गया 12 का। इस बात को समझिएगा सर, ध्यान दीजिए, माना पहले औसत एक्स था तो एक्स विकेट लिया तो यानी एक्स खिलाड़ी को आउट किया, हर खिलाड़ी जो आउट हो रहा है वो 12.4 के हिसाब से रन बना रहा है, तो 12.4 सब बनाएगा तो एक्स खिलाड़ी कितना बनाएगा 12.4x। अगला बार मैच हुआ तो 26 रन और बना, तो 12.4x प्लस 26 ये टोटल रन हो गया, लेकिन इस दौरान उसने 5 खिलाड़ी को और आउट किया, तब आउट खिलाड़ी की संख्या कितना x प्लस 5, लेकिन एवरेज जो 12.4 चल रहा था वो 0.4 गिर गया, यानी एवरेज कितने का हो गया 12 का। देखिए लंच के पहले और लंच के बाद दो तरह का बात है, लंच के पहले क्या था एवरेज 12.4 का था, तो 12.4 और एक्स विकेट ले चुका था, तो 12.4x। लंच के बाद क्या हुआ कि 26 रन और बना, तो 12.4x प्लस 26 यहाँ तक तो सही है,
लेकिन क्या हुआ, इस दौरान 26 रन बनाने जरूर दिया लेकिन 5 खिलाड़ी को और आउट कर दिया, तो अब आउट खिलाड़ी की संख्या कितना, एक्स प्लस 5, लेकिन एवरेज जो 12 का चल रहा था, 12.4 का, वो 0.4 घट गया, तो एवरेज कितने का हो गया, 12 का। ध्यान दीजिए, लंच के पहले, लंच के बाद, लंच के पहले उसने एक्स विकेट लिया यानी एक्स खिलाड़ी को आउट किया, हर आउट खिलाड़ी 12.4 के हिसाब से रन बना रहा है, तो 12.4 तो एक्स खिलाड़ी का 12.4x, अगला मैच हुआ तो 26 रन और बना, तो 12.4x प्लस 26 ये टोटल रन हो गया, लेकिन इस दौरान उसने 5 खिलाड़ी को और आउट किया, तो अब आउट खिलाड़ी की संख्या कितना, एक्स प्लस 5, लेकिन एवरेज जो 12.4 का चल रहा था वो 0.4 गिर गया, तो एवरेज कितने का हो गया, 12 का। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इधर माइनस करेंगे 0.4x 34, तो x का वैल्यू क्या होगा, 34 बाई 0.4, पॉइंट हटाएंगे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 से कितना 17, तो 17 बचे 85 विकेट, यानी इस मैच से पहले उसने 85 विकेट लिया। बात सुन रहे हैं, माना पहले औसत x था, तो हर पारी का x, तो 12, देखिए इस मैच से पहले उसने x विकेट लिया तो एक्स खिलाड़ी आउट किया, तो लंच के पहले एक्स खिलाड़ी आउट किया और एवरेज 12.4 का जा रहा था, तो 12.4, तो एक्स खिलाड़ी का कितना हो गया, 12.4x, इस दौरान उसने 5 खिलाड़ी को 26 रन बनाया, तो लंच के बाद क्या हुआ, जब बॉलर आया फिर बैटमैन बैटिंग करने के लिए बैट्समैन, तो 26 रन और बना, तो 12.4x प्लस 26, लेकिन 26 रन बनाने के दरमियान में उसने 5 खिलाड़ी को और आउट किया, तो आउट खिलाड़ी कितना, एक्स प्लस 5, तो एवरेज जो 12.4 का चल रहा था वो 0.4 गिर गया, एवरेज कितने का हो गया, 12 का, तो 12 के हिसाब से इतना टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 85 विकेट आ गया। अब कहिएगा सर इसका शॉर्टकट वाला बनाइए ना सर, तो पहले बताए थे लंच के पहले और लंच के बाद, याद कीजिए लंच के पहले एवरेज कितना का था, 12.4, लंच के बाद 26 रन बना, कई गो खिलाड़ी मिलकर बनाया, 5 गो, यानी एवरेज कितना हो गया, 5.2, और फाइनली एवरेज 0.4 गिर गया, यानी एवरेज कितने का हो गया, 12 का। बात समझिए, लंच के पहले कितना था, 12.4, लंच के बाद 26 रन बना, 5 खिलाड़ी बनाया, तो एवरेज कितने का हो गया, 12 का, 5.2 का, और फाइनल एवरेज क्या हो गया, 0.4 गिर गया, यानी एवरेज कितने का, 12 का, तीर्थे तीसरे घटाएंगे तो 6.8 और 0.4 आएगा, रेशियो में घटा तो 17 और 1, तो लंच के बाद, लंच के पहले 17 विकेट और लंच के बाद 1 विकेट, लंच के पहले 17 खिलाड़ी आउट किया था और लंच के बाद 1 खिलाड़ी, लेकिन लंच के बाद कह रहा है 5 विकेट लिया, तो 1 का वैल्यू जब 5 विकेट, तो लंच के पहले वाला बताओ 17 का वैल्यू कितना, 17 बचे 85 विकेट। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 17 बचे 85, तो ये पहले लंच के पहले 17 विकेट, लंच के बाद 1 विकेट, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो लंच के पहले 17, 17 का वैल्यू कितना होगा, 85, यानी लंच के बाद 50, लंच के पहले 85 विकेट लिया। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे छोटू। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देना, कोई व्यक्ति 40 के स्पीड से जाता है और 60 के भी स्पीड से वापस आता है, कोई व्यक्ति 40 के स्पीड से जाता है 60 के भी स्पीड से वापस आता है, औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, और यहां पर देखिए कि कोई व्यक्ति 40 से जा रहा है और 60 से वापस आ रहा है, क्या डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग, 40 से जा रहा है और 60 से वापस आ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर, यानी दूरी क्या है, समान, जब दो समान दूरी हो तो दो समान दूरी, समान दूरी के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, औसत चाल, दो समान दूरी के लिए औसत चाल का फॉर्मूला हम दिए थे 2xy/x+y, दो गुना 40 गुना 60 बटा 40 प्लस 60 यानी 4800/100 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई व्यक्ति 40 से जाता है 60 से वापस आता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या दिया थे, टू, जब डिस्टेंस सेम हो, दूरी समान हो, तो औसत चाल 2xy/x+y, 2 40 60 40 प्लस 60 यानी 48 किलोमीटर पर आवर। आप कहिएगा सर कि कुछ शॉर्टकट मारिए ना, तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्पीड कितना है, स्पीड 1 और स्पीड 2, ये स्पीड कितने का है, 40 का, और ये स्पीड कितने का है, 60 का, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो गया, 120, तो ये मान लो दूरी, एलसीएम क्या मान लो, दूरी, कंफर्म। तो अब देखिए, तो समय क्या होगा,
40 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में क्या घंटा और 60 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में क्या घंटा, तो औसत चाल बराबर क्या बताए थे, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात समझिएगा, 40 और 60 है, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, 120 ये दूरी मान लो, तो 120 किलोमीटर आना 120 किलोमीटर जाना, टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर। अब देखिए समझिएगा सर, 120 किलोमीटर देखिए इन दोनों का जो एलसीएम निकाल दिया वही दूरी हो गया, तो 40 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा, 60 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर आना 120 किलोमीटर जाना, टोटल डिस्टेंस 240 और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम बताओ 3 और 2 5 काटेंगे सर, यानी 48 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में, 120 किलोमीटर आना 120 किलोमीटर जाना, टोटल डिस्टेंस कितना 240 और टोटल टाइम 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, कैलकुलेट करेंगे 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या है, एक एवरेज स्पीड अपने मन से मान लेते हैं, और नहीं तो फार्मूला तो आपके पास ही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति को 150 किलोमीटर जाना है, पहला 50 किलोमीटर फर्स्ट किलो 50 किलोमीटर जाता है 30 के स्पीड से, अब देखिए नेक्स्ट 50 किलोमीटर जाता है 40 के स्पीड से और नेक्स्ट 50 किलोमीटर जाता है 60 के स्पीड से, क्या सर दूरी समान है कि अलग अलग, पहला 50 दूसरा 50 तीसरा 50 दूरी क्या है समान, तो तीन समान दूरी, तीन समान दूरी, तीन समान दूरी का फॉर्मूला क्या दिए थे, औसत चाल का 3xyz बटा xyyz और zx, तीन 30 × 40 × 60 बटा 30 × 40 40 × 60 और 60 × 30, ऐसा कब करेंगे जब डिस्टेंस क्या हो सेम, जब डिस्टेंस सेम हो तो औसत चाल का फॉर्मूला 3xyz बटा xyyz और zx, तो 3 × 30 × 40 × 60 बटा 1200, 2400 और 1800, टोटल जोड़ेंगे सर तो 3 × 30 × 40 × 60 बटा 5400, तो 54 कट जाएगा सर, 6 × 3 = 18 × 3 = 54 कट जाएगा, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया, यहाँ जो है इस तरीके से हम लोग बना लिए। आप कहिएगा सर कि ये दूरी हम लोग 150 किलोमीटर था, अब हम क्या करते हैं, तीनों दूरी तो समान है, तो हम क्या बताए थे अभी कि 30, 40 और 60, यही ना सर, इन तीनों, ये तीनों क्या है चाल है, दूरी हम कैसे निकालने के लिए बोले थे एलसीएम, दूरी निकालने के लिए क्या बोले थे एलसीएम, एलसीएम निकाल लेंगे 30, 40, 60 का 120 किलोमीटर, ये क्या हो गई दूरी हो गई। अब समय बताइए, 30 के स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, बात समझ में आया, 30 के स्पीड से 120 किलोमीटर 4 घंटा, 40 के स्पीड से 3 घंटा और 60 के स्पीड से 2 घंटा, औसत चाल का फॉर्मूला हम क्या दिए थे, कुल दूरी बटा कुल समय, तो 120 तीन बार यानी कितना किलोमीटर 360 किलोमीटर, अब बटा कुल समय, समय बताओ 4, 3, 7 और 2, 9 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी हम लोग करके बना सकते हैं, कब, जब दूरी क्या हो सेम, दूरी सेम होगा तो तीनों का जो एलसीएम निकालोगे वही दूरी मान लेना, ऐसे तो इसमें दूरी दिया हुआ था तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, औसत चाल बराबर फार्मूला पे बना दिए, लेकिन अगर दूरी नहीं भी दिया रहता और तीन समान दूरी का था तो क्या निकाल लेते, एलसीएम निकाल लेते और जो एलसीएम होता वही दूरी मानते, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी 120 320 320 360 और कुल समय 4 3 7 2 9 40 का स्पीड हो गया। बात समझ में आ रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे ये है, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पहला 15 किलोमीटर चलती है, कभी कभी देखो दूरी समान था तो सब बना लेगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूरी अलग अलग हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूरी क्या हो जाए अलग अलग, तो जब दूरी अलग अलग हो बात समझिएगा, पहला 15 किलोमीटर चलती है 20 के स्पीड से, अगला 20 किलोमीटर चलती है 25 के स्पीड से और अगला 25 किलोमीटर चलती है 30 के स्पीड से, नहीं दूरी क्या है अलग अलग, 15, 20 और 25 दूरी क्या है अलग अलग, जब दूरी अलग अलग हो तो एक ही फॉर्मूला काम करेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी
बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए सर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 15, 20 और 25। और टोटल टाइम, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, बताया था ना। औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60, और यहाँ एलसीएम लो तो काटोगे 3/4, यहाँ काटोगे तो 4/5, यहाँ काटोगे तो 5/6, यानी इसका 60 एलसीएम लेंगे तो वो भी 60 आएगा। तो 4 से 4 से 15, 15 + 45, 5 से 12, 12 + 48, और 6 से 10, 10 + 50, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3600/143। तो हम कह सकते हैं 25.18 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया, कब, जब अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, अगर दूरी अलग अलग हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल डिस्टेंस जोड़ दिए अब बटा टोटल टाइम, समय दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, इसको सॉल्व करेंगे 3600/143, 25.18 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर दो सेम डिस्टेंस हो तो 2xy/x+y, तीन सेम डिस्टेंस हो तो 3xyz/xy/zx। ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये समझ में आए, समझिएगा कि एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से गुना करके, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म से गुना करके टोटल निकालते हैं। जैसे तीन संख्याओं का औसत 20 का है, तो अगर एवरेज यो एवरेज की बात करें, योग की बात करें, तो 20 20 20 क्या गो, तीन गो, तो 20 + 60, ये योग निकल गया। तो इसी आधार पर सब आराम से बनता जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन को डिस्कस करते जा रहे हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, और इस 15 में से कम एक गो तो ऐबे करेगा। पैटर्न समझना है सर, पैटर्न समझते जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना देर तक आप लोग बने रहे, इतना देर तक इसको नोट कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। केवल क्या करना है कि रिजल्ट आने के बाद एक बार जरूर इन्फॉर्म करना है, हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया। बस लगे रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरे लिए प्रोत्साहन है। तो केवल लगने की जरूरत है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे भाई होता चला जाएगा। तो इतना देर तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा चीज़ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, और करतार कोचिंग सेंटर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि इतना देर तक आपको बने रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, है ना। थैंक यू।